तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार्स पे। आज आपको मिलाएंगे एक बॉक्सिंग की दुनिया में जिन्होंने बहुत सारे मेडल हासिल कर चुके हैं और जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कर चुके हैं बॉक्सिंग की दुनिया में। उनका नाम है सनी दयाल। चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, कैसे हो भैया आप? बिल्कुल बढ़िया। तो भैया क्या चल रहा है अभी फिलहाल प्रैक्टिस वगैरह में, क्या चल रहा है लाइफ में? प्रैक्टिस में यही नॉर्मल सुबह शाम की वो प्रैक्टिस है, उसके बाद नौकरी है, वापस रिपीट है, यही चीज़। किस चीज़ में आपकी नौकरी लगी हुई है, कौन सी नौकरी? मैं रेलवे में ओटीटी पे उपद पे हूँ। अच्छा, तो आपने कब ज्वाइन की थी रेलवे की नौकरी? मैंने की थी 2013 में। अच्छा, तो भैया आपने बॉक्सिंग की दुनिया में जब स्टार्ट किया, आपने कब से स्टार्ट किया, बचपन से कौन सी ईयर में स्टार्ट किया? मैं 2008 से मैं खेल रहा हूँ। 2009 में मैंने पहली नेशनल खेली थी। अच्छा, सब जूनियर। 2009 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2009 से आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपने क्या सोच के, मतलब क्या देख के स्टार्ट किया कि मुझे बॉक्सिंग करनी है और अदर गेम नहीं करने है? मेरे फादर इंडिया टीम के कोच हैं। हाँ, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, गुरु वशिष्ठ अवार्डी हैं, माना प्रताप अवार्डी हैं। तो मेरे तो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे को तो खेलनी थी, तो मतलब इंस्पिरेशन आपके फादर है, आप फादर से सीख के जो बॉक्सिंग की दुनिया में आपने हासिल किया है। तो भैया आपने अभी तक कितने मेडल हासिल कर लिया है अपनी बॉक्सिंग करियर में? मेरे सब जूनियर का भी है, यूथ का भी है, सीनियर का भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, और अभी रिसेंटली मैं इंटर रेलवे में 2 सिल्वर आए हैं मेरे भी। अच्छा, 2021-2022 में, और अभी मैंने प्रो के लिए भी फर्स्ट मेरा मैच था तो उसमें मैं विन था। अच्छा, प्रो में आप विन रहे हो अभी लास्ट में। तो भैया आपने जब स्टार्टिंग की तो आपकी एज भी बहुत छोटी थी, तो आपने पढ़ाई और अपने खेल को कैसे मैनेज किया? छोटे बच्चे के दिमाग में फ्रेश रहता है कि पढ़ाई कैसे करूं और खेल कैसे करूं, तो आपने मैनेज कैसे किया, क्या उस टाइम? ऐसा कुछ वो प्रेशर नहीं था, मेरे को तो खेलना ही था, लेकिन पापा हमेशा ये बोलते थे कि खेलने के साथ हमेशा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैंने पढ़ाई को हमेशा साथ साथ रखा, 10th भी करी, 12th भी करी, बी कॉम भी करी है। तो पापा ने कहा कि हमेशा स्पोर्ट्स के साथ हमेशा स्टडी साथ रखनी है, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल पढ़े बगैर कुछ भी नहीं है। तो भैया जब आपने स्टार्टिंग की तो पहला मेडल आपका कौन सा लगा था? मेरा सब जूनियर नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल था 2009 में। तो आपने कहाँ पे खेला था, कहाँ पे था? औरंगाबाद था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में था जी। तो उसमें आपके कौन सा मेडल था? सिल्वर था। सिल्वर मेडल था। तो जैसे आपने सिल्वर मेडल पहला जीता तो आपको क्या फीलिंग थी, घर वालों में क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने? मेरे घर वाले बहुत खुश थे मेरे। अच्छा। आज भी याद है कि पापा ने बोला था, मेरा लास्ट मेरी फाइनल फाइट थी मेरी सर्विसेज से, आर्मी से। अच्छा। तो वो मेरा लॉस हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो सर्विसेज ने करवाई थी, तो बराबर सी फाइट थी वो 19-20 में, जो लोकल होता है उसको उजाला करते हैं। हाँ, वो तो मेरी बराबर फाइट थी, पापा ने मेरे जो मेरी वो कमियाँ थी उस पर ध्यान दिया बस फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो आपने जब स्टार्टिंग की तो मेडल पे मेडल आते गए आपके। अभी तो अभी क्या क्या करने की सोच रहे हो, मतलब कौन से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो? ऐसा तो मैं कभी नहीं सोचता, मेरे को तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको जब तक वो पकड़ लेता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है, वो मेरे को करना ही है। हाँ, जो फर्स्ट आती है, चाहे मैं ये नहीं बोलता मैं ओलंपिक खेलूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूंगा, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसको बेखुदी लेता हूँ और उसकी तैयारी करता हूँ और उसकी खेलता हूँ, ना मैं किसी को बोलता ना ही कुछ। जैसा कि आप जानते हो कि बॉक्सिंग की दुनिया में सभी देखना पसंद करते हैं, उसको मुक्का मारा है, इसको मुक्के मारा है, लेकिन जो खिलाड़ी कर रहा होता है उसको मेहनत भी लगती है और बहुत ज़्यादा उसको जोर भी आता है उस करने में और उसको चोट भी लगती है। तो आप जब चोटिल हो जाते हो, कभी भी मैच में चोटिल हुई हो कभी? मेरे तो ये पहले पता नहीं क्या था, मैं हमारे 2014-15 से हमारा हेडगार्ड था ना। अच्छा, वो हट गया। तो हमारी प्रैक्टिस थी हेडगार्ड से। अच्छा, तो हटने के बाद मेरे कम से कम भी 12-13 बार मेरी जो लेफ्ट आंख है उसके ऊपर आईब्रो है। अच्छा, तो 12-13 बार मेरा बहुत फट गया था। तो मेरे ये पता नहीं क्या था कि मैं खेलता था, कोई भी कंपटीशन जाता था तो मेरा वापस खुल जाता था। तो अच्छा, इंजरी की वजह से मेरी जीती हुई फाइट भी मेरी लॉस हो जाता था, मतलब इससे कि भाई मेरे खून आ रहा है। हाँ, तो रेफरी स्टॉप तक कॉन्टेस्ट कर देता था कि भाई इसके ज्यादा इंजरी है, ये नहीं कह सकता। अच्छा अच्छा, तो ऐसे काफी चीजें। तो आपको जब चोट लगी है तो आपने कभी सोचा नहीं कि छोड़ देता हूँ यार, क्या यार इसमें चोट लगनी है सर, ये क्या है, पार्ट ऑफ द गेम है, दो खेलेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, बस ये है। ये बात तो है कि खिलाड़ी को अपने करियर में ये सोचना पड़ता है, चोट लगे या कुछ भी लगे मुझे खेलना ही है, जीतना ही है। ये तो किसी भी खिलाड़ी के जीवन में हमेशा ये चीज आएगी कि भाई इंजरी इंजरी इंजरी, तो एक टाइम इंजरी का होता है, एक टाइम अच्छा होता है, तो वो मेरा बैड टाइम था। तो भैया अभी आपका शेड्यूल क्या चल रहा है, कितने टाइम प्रैक्टिस करते हो, कितना टाइम क्या आप डाइट वगैरह लेते हो अपने? अभी तो हमारा अभी मैं रिसेंटली खेल के आया था, तो उसके बाद हमारा अभी ऑफ सीजन है। ऑफ सीजन में हम जितना जो बेसिक्स जो होते हैं हमारे। अच्छा, जो कम से कम कि हमारा कि मेरे में ये वो कमियाँ है, मेरे फादर मेरे को सुबह सुबह पैड कराते हैं आपस में। अच्छा। तो पैड में मेरे को मेरे स्पीड में है लेकिन मेरे पावर की कमी है, तो मेरे फादर मेरे को पैड में पावर की
पंचिंग ज्यादा कराते हैं। अच्छा, अच्छा। तो मेरे को वो ज्यादा मेरे फादर ने कम से ज्यादा वो चीज ले रखी है ऑफ सीजन में मैं ये काम करूंगा। अच्छा। तो मेरे को सुबह सुबह हम 6 बजे 7 बजे हम वो स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे का होता है ये पीरियड। उसके बाद मैं नॉर्मली मेरे रेस्ट करता हूँ। ऑफ सीजन में आपका नॉर्मल चलता है? नॉर्मल चलता है हमारा। जैसे ही वो कंपटीशन की डेट आएगी या कुछ आएगा तो उस चीज को हम स्पीड में बदल देंगे, धीरे काम तेज में बदलते हैं। तो भाई आप जैसे आप कोई भी गेम हार कभी गेम हारे हो कभी भी? बिल्कुल बहुत आ रहा हूँ। तो आप कोई गेम हारे तो उससे क्या ऑब्जर्व करते हो या क्या आपको क्या फील होता है उसमें, ऑब्जर्व ऐसा क्या करना है? ऑब्जर्व ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ ना आदमी कुछ खोता है तो वो चीज सीखने को मिलती है। कोई भी गेम खेलते हो आप तो आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है कि ये टेक्निक तो यार मेरे को अप्लाई करनी है गेम में? टेक्निक मैं नहीं बता सकता, टेक्निक जैसे मान लो आप मेरा मैच देख रहे हो। अच्छा अच्छा। मैं मेरा तो फेवरेट पंच होगा लेकिन आप ऑडियंस हो मेरा मैच देखोगे तो आप डिसाइड करोगे मेरा कौन सा पंच उसके लग रहा है और आप डिसाइड करोगे मेरा पंच कौन सा फेवरेट है। वो तो सही है। हाँ तो मेरा जो मेरा खुद का भी और ऑडियंस मेरे फादर मेरे को वॉच करते थे, वही मेरे कोच थे, शुरू से मेरा वो मेरे को एनालाइज करने वाले मेरे फादर थे। एक बोन बैकबोन की तरह रहे हैं। तो मेरे को पापा ने हमेशा ये बोले कि तेरा राइट में हमेशा पावर भी है और तेरा राइट हमेशा सटीक लगता है। अच्छा। तो मैंने मेरे राइट का पंच को बहुत आप अपनी हर फाइट में अप्लाई करने की बिल्कुल और लगता है अप्लाई किया, चाहे कितना ही बड़ा वो हो कितना बड़ा मेरा हमेशा राइट पंच। तो आपने कभी भैया आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस प्लेयर की तरह बनना है या फिर इससे आगे जाना है, कोई आपका आइडियल तो है ही? मेरा आइडियल मेरे फादर साहब हैं, मेरे फादर साहब खुद एशियन चैंपियन हैं, दो बार एशियन खेले हुए हैं, दो बार एशियन मेडलिस्ट हैं, राजस्थान के पहले महाराणा प्रताप वाड़ी हैं, गुरु वशिष्ठ महाराणा और द्रोणाचार्य वाड़ी हैं। हाँ ये तो, हमने भी सुना है, पढ़ा भी है। तो उनसे बड़ा बॉक्सर अभी तक तो राजस्थान में अभी तो खूब हो गए लेकिन फर्स्ट उनके टाइम में नहीं था, उनके टाइम में कोई नहीं था। तो मेरे पापा तो अवाड़ी भी है। तो भैया कोई अगर बच्चा नया बच्चा आना चाहिए बॉक्सिंग के फील्ड में तो उसको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस करना चाहिए, कोच कौन से लेना चाहिए या फिर कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? गाइडेंस कुछ नहीं है बोलना चाहिए, आजकल गाइडेंस तो कुछ नहीं है। आजकल माँ बाप बहुत स्मार्ट हो गए हैं, मैं आपको बताऊँ। माँ बाप बच्चा से पहले दिमाग लगा लेते हैं कि भाई कौन सा गेम में खेल रहे हैं बच्चा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को खुद को डिसाइड करना चाहिए कि भाई मैं कौन सा मेरा शरीर ये है उसके अनुसार मेरा गेम है और उसका इंटरेस्ट के हिसाब से। 5 दिन गेम खेल लिया, 5 दिन बॉक्सिंग खेल ली, फोटो खिंचाई चला गया, ये तो एक तपस्या है, काफी साल तक चलती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा खराब होता है इधर उधर भटकते रहे। बिल्कुल। तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए उनके। बिल्कुल। तो भैया जैसे आपने स्टार्टिंग नहीं की थी उस समय और अभी जो आप मेडल ला चुके हो, इतना आप पॉपुलर भी हो चुके हो, तो गांव में किस नजर से देखते हैं? एक तो पहले देखते थे, एक अभी देखते हैं, गांव में क्या नजरिया रहता है? गांव में वही नजर से देखते हैं जो मुझे पहले देखते थे, बस उनका आशीर्वाद रहता है साथ में कि तू जब भी जाता हूँ मेरे ताऊ जी हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई मेरी दादी है, मेरी दादी हमेशा भी बोलती है कि भाई छोरा के खेल रहे हो, कड़े खेल रहे हो या अपनी देसी भाषा में? बिल्कुल देसी भाषा में। तो मेरी दादी हमेशा सपोर्ट करती है कि भाई वो तो थोड़ी अभी बूढ़ी हो गई लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करती है, खेलनो है मारनो है, उनकी भाषा में एक तरह का आशीर्वाद है वो दे रहे हैं। मेरे ताऊ जी हमेशा भाई घी पानी कोई कमी नहीं हुआ है, ये खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताऊ जी हमेशा यही रखते थे। मेरे नाना जी भी फोर्स रिटायर थे ही, मेरे नाना जी भी इंटरनेशनल प्लेयर थे आपको बताऊं मैं। अच्छा अच्छा। मैं तो कैप्टन से रिटायर्ड है, वो भी हमेशा यूँ करते थे कि भाई खेलना है, वो एक फौजी वाली भाषा भाई, फौजी देश के लिए लाने के लिए। मेरा तो परिवार लगभग लगभग पूरा ये था और अभी तक सपोर्ट ही कर रहा है कि भाई कुछ भी हो बस नाम करना है, कैसे भी चाहे वैसे करो, अच्छे देश का अच्छे कामों में अपने गाँव का और देश का नाम करना ही है। तो जैसा कि आपका सपोर्ट रहा है अगर किसी भी खिलाड़ी को रहे तो वो जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके ऐसा कभी गांव में निकलते हो ये तो प्राउड फीलिंग तो आती है कि मैंने यार ये मेडल आ चुका हूँ? मेरे गांव में, मेरा गांव है खाटू श्याम जी से 7-8 किलोमीटर पहले है कोटड़ी धायलान। अच्छा। कोई का पास तो वहाँ पे क्या है वॉलीबॉल के प्लेयर बहुत ज्यादा है, वॉलीबॉल के बास्केटबॉल के ये प्लेयर ज्यादा है। अच्छा, वॉलीबॉल वहाँ पे ज्यादा चलता है, ये बॉक्सिंग थोड़ा सा क्रेज कम है लेकिन अभी जैसे इन दिनों में बॉक्सिंग जैसे थोड़ा बहुत मेरा भी नाम हुआ है, पापा का नाम पहले से था तो वहाँ पे क्या क्रेज बहुत बढ़ रहा है अभी बॉक्सिंग जगह। हाँ तो मेरे गाँव से, मेरे खुद के गाँव से 7-8 लड़के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं विजय को साहब के पास। अच्छा, ये उनको और वो अच्छा कर रहे हैं बहुत। वो एक इंस्पिरेशन तो रहती है कि अपने गांव का लड़का जो कर रहा है ये इतने हासिल कर लिया तो फिर उसके बाद गांव में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ जाती है गेम के थ्रू।
तो भैया अभी जो पहले गेम को सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं था सरकार की तरफ से, अभी सपोर्ट बढ़ रहा है, सरकार स्पॉन्सरशिप भी दे रही है, तो सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, क्या कुछ सुधार करना चाहिए या फिर क्या कुछ कमी है? सरकार चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, स्टेट की तो अपन रोज सुनते हैं कि भाई अपने चांदना साहब जी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, 2% कोटे के हिसाब से डायरेक्ट उभरती है, ये तो अभी तक रास्ता न करने वाला पहला राज्य है, आप ये मानो बहुत ही अच्छा किया है इन्होंने। हमारे RSPB है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के लोचप साहब, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे में आती है, तो उन्होंने इतना अच्छा करके वो खेल के लिए कोई भी प्लेयर हो चाहे कुश्ती बॉक्सिंग जूडो कोई भी हो, वो जान देने को तैयार रहते हैं, मतलब उनके लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा रेल और रेलवे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा बोर्ड है इंडिया का, तो हमारा तो इतना सपोर्ट रहता है कि एनी टाइम वो रात को 12 बजे फोन करोगे तो स्पोर्ट्स के लिए हमेशा, मतलब रेलवे की तरफ से और रेलवे की तरफ से एकदम फुल सपोर्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही चाहिए प्लेयर को कि सपोर्ट प्लेयर हो, तभी प्लेयर आगे बढ़ पाएगा। तो इंडिया इस टाइम में बहुत ज्यादा कर रही है, क्योंकि पहले अभी बाहर के खिलाड़ी ज्यादा आते थे बॉक्सिंग में, लेकिन अब भाई मतलब इंडिया में क्या है सर, चाचा मामा पापा बाद खूब है, तो मेरे को बचपन से ये चीज मिली है कि मैं जो हूँ, मैं मेरे फादर साहब ने हमेशा ये चीज सिखाई है कि मेरे फादर कोई इंडिया टीम के कोच नहीं थे। अच्छा। मेरे फादर एक गरीब किसान थे, मैं कैसे निकला, मैं ये नहीं चाहता कि भाई लोग तेरे को यूं बोले कि भाई तेरे फादर इंडिया टीम के कोच हैं और इससे तू जीत रहा है, और मैंने कभी फायदा भी नहीं उठाया। सही है, सही। और ना मेरे को उठाने देता भी है। हाँ, लोग बोलते हैं मेरा नाम है कि मेरे नाम के पीछे मेरे फादर का नाम है, और मैं उनके दम पे आया हूँ, और मैं मेरे दम पे भी है, उनके दम पे भी है, बस मैं दम से मैं मेरे बॉक्सिंग खेल रहा हूँ, उनका नाम है, उनका नाम नीचे नहीं मिलने देंगे, खुद के दम पे और उनकी गाइडेंस की वजह से आप बिल्कुल में नाम कर रहे हो। तो भैया आपकी फैमिली में कौन कौन है, हम जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, वाइफ है, और मैं हूँ अभी। भैया हमने सुना आपकी वाइफ भी इस बॉक्सिंग की दुनिया में नाम अच्छा खासा नाम कर चुकी है। वो भी नेशनल मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट है, अभी हाल फिलहाल राजस्थान पुलिस में है। स्पोर्ट्स के मामले में राजस्थान पुलिस का भी पिछले 4 से 3 सालों में इतना अच्छा हुआ है, और बच्चे भी निकल रहे हैं हर गेमों के, और राजस्थान पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा, मतलब चाहे वो भर्ती में हो चाहे खेल में हो, बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं और बहुत ही अच्छा वो भर्ती किया उन्होंने। तो भैया आपने बताया कि आपको सपोर्ट घर वालों का, कोच साहब का, और आपके जो नौकरी वाले अपार्टमेंट से जो है सबका सपोर्ट रहा है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कोई भी बंदा हो चाहे बंदी हो, कोई भी गेम करे तो अपना सीरियस बन के गेम करे, नौकरी के लिए गेम ना खेले। नौकरी तो अल्टीमेट लास्ट में मिलती है, और कोई गरीब बच्चा होता है सबसे पहले वो नौकरी के लिए ही खेलता है, पहले दाल रोटी पक्की होती है उसके बाद आदमी कुछ करता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना लक्ष्य देखे, मेरा लक्ष्य कहाँ तक जाएगा, कौन से गेम में जाएगा, पहले तो वो चीज़ करे, फिर उसके बाद अपना ये देखे कि मेरा टारगेट क्या है, नौकरी तो पीछे पीछे अपने आप आएगी, मतलब अपने गेम पे फोकस करे, नौकरी आ जाएगी अपने आप, मतलब आगे अगर आप मेडल लाओगे देश और आज की दुनिया में नौकरी बहुत है, और कोई स्पोर्ट्स के अंदर हर जगह नौकरी है। ये कहानी थी मिस्टर सनी दायल जी की, जो बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो भैया आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, आपके चैनल के बारे में बहुत सुना है, नए नए स्पोर्ट्समैन, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन का आप ले रहे हो, इंस्पिरेशन लोगों को मिलता है कि भाई इनकी कहानी हर किसी को सुनने को मिलती है। तो यही कोशिश आपके माध्यम से सबको मिल रही है। तो धन्यवाद भैया आपका, बिल्कुल धन्यवाद आपका।